तो नमस्कार सभी को और कल जो थे वो दो दो मैच थे मतलब एकदम बिजी डे था इंडियन फुटबॉल के लिए आईएसएल के लिए और काफी लोगों ने दोनों मैच नहीं देखे होंगे किसी ने एक देखा होगा क्योंकि कल फेस्टिवल का टाइम भी अभी फेस्टिवल का टाइम रहने भी वाला है तो अभी हम दोनों मैच की बात करते हैं क्योंकि मैंने तो दोनों मैच देखे बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी लिया लेकिन हाँ देखे मैंने मैच ठीक है सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल एप हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर एंड इन केस यू मिस यू कैन ऑल्सो वॉच हाई

वो केवल वन वन पे ड्रॉ हो गया ये मैच लेकिन गेम प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों टीम्स ने इक्वल गेम खेला हाँ लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मुंबई सिटी जो है बॉल पोजिशन गेम खेलती है बिल्डअप बना के खेलने की कोशिश करती है तो वो कर रही थी और बॉल पोजिशन थोड़ा सा ज्यादा उनके पास था लेकिन जीएफसी जो थी वो काउंटर्स पे जा रही थी और दोनों टीम्स इक्वल खेली इसका अंदाजा आप सीधे सीधे इससे ही सी लगा सकते हैं कि दोनों के अब शॉर्ट्स देखिए इक्वल शॉर्ट्स है तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं तो जितने भी अटैक दोनों टीम ने बनाए भी थे शॉर्ट नहीं भुना पा रहे थे क्योंकि डिफेंस जो थी वो मुस्तैदी से अपना काम कर रही थी और अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें और सेकेंड हाफ का भी कुछ अंतराल मतलब पंद्रह बीस मिनट आप देखेंगे ना तो आपको मिड दिखेगी नहीं मतलब दोनों टीम्स की मिड चली ही नहीं इतना खतरनाक ऐसा गेम चल रहा है मतलब बिना मिड का एंड टू एंड एक्शन चल रहा था मुंबई सिटी का अटैक फिर जेएफसी का अटैक तो इस टाइप से हो रहा था मतलब मिड जो थी ना वो मिसिंग चल रही थी और मैं एक बात सीधे सीधे कहना चाहूंगा अक्सर वैसे होता नहीं है लेकिन अपूया और जो अहमद जाऊद थे इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा मतलब दिखे ही नहीं और अपुया ने तो इतने मिसपाज किए मैं क्या बताऊं मतलब बॉल वो ज्यादा अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे इसके चक्कर में मिस्टेक्स कर रहे थे तो बहुत मिस्टेक्स भी करी उन्होंने बॉल पोजिशन लूज किया कई टाइम पे तो कहीं ना कहीं अब यही तो मेन मिड है मुंबई की तो वो तो फिर चलेगी कहां से जब दो उनके मिड जो है वही नहीं दिख पा रहे ना और सेम जी का जो प्रायोरी है और जर्मन प्रीत सिंह है वो नहीं चल पाए तो दोनों टीम्स की मिड तो थी नहीं बस अटैकिंग साइड और डिफेंसिव साइड बस इन दोनों के भरोसे मैच चल रहा था लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई सिटी थोड़ी सी ज्यादा हावी जे पे थी इस बात को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे और अर्ली गोल उनको एक मिल गया मतलब एक बहुत अच्छा गोल किया उन्होंने बहुत ही है ना पांसेस चला के ऐसा वन टू वन करके एक बहुत अच्छा गोल निकाला और छांगटे ने स्कोर किया और उस गोल के बाद थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करी मुंबई सिटी ने जमशेदपुर पर लेकिन बहुत ही जल्द जो है वो अपनी जो लीड थी उसको बरकरार नहीं रख पाए और जमशेदपुर एफसी ने अपना खाता खोल लिया और देखिए थ्रो इन पे जो है थ्रो इन पे उनको गोल मिला है क्योंकि हाइट एडवांटेज का फायदा उनको मिला क्योंकि अब सॉयर की हाइट देखिए जो जमशेदपुर एफसी में स्ट्राइकर है जो चुकू के साथ खेलते हैं तो थ्रो इन पर उन्होंने अपनी हाइट का एडवांटेज लिया उस पर एक हेडर एक फ्लिक किया और चुकू ने उस पर एकदम शानदार गोल मार दिया मतलब फ्री हेडर ही मिल गया ना तो वहां पर राहुल भेके और जो ग्रिफिथ खड़े थे उनको कहीं ना कहीं रिएक्शन टाइम ही नहीं मिल पाया तो क्या कर पाते ना रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला वहां पे उन्होंने हेडर मार दिया तो बस ये जो शुरू के दस पंद्रह मिनट में जो गोल हुए उसके बाद से आखिरी तक एक भी गोल नहीं हो पाया मतलब कोशिश हुई दोनों टीम्स की तरफ से लेकिन गोल नहीं मिल पाया और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बिपिन सिंह जो थे बिपिन सिंह का काफी इन्फ्लुएंस रहा मतलब उनकी साइड की जो विंग थी बहुत चल रही थी उनकी फ्लैंक पे मतलब रन बना रहे थे क्रॉसेस डाल रहे थे तो बहुत उन्होंने मेहनत करी और स्टीवर्ट जो थे स्टीवर्ट तो भैया मतलब मैच में आप उनको देख सकते थे डिफेंस लाइन तक आ रहे हैं पूरा पीछे से लेकर आगे तक पूरी मेहनत कर रहे थे वो तो मतलब पूरा फुल अपने जितने एफर्ट हो सकते थे ग्रेग स्टीवर्ट वो पूरे दिखा रहे थे अपनी भूतपूर्व टीम के अगेंस्ट और एक जेएफसी की मैं तारीफ करना चाहूंगा इनकी जो डिफेंस लाइन है उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा बहुत मुस्तैदी से उन्होंने डिफेंस करी है क्योंकि वहीं पर आप देख सकते थे मुंबई सिटी की डिफेंस वो मुझे कहीं ना कहीं उनकी जो स्टॉपर की पार्टनरशिप है उनकी पार्टनरशिप उनका जो जो मतलब एक बोलेंगे ना केमिस्ट्री स्टॉपर्स चाहिए आपस में वो कम्युनिकेशन भी और जो भी कहें वो मुझे सही लगा नहीं तो मुंबई सिटी की जो डिफेंस है कहीं ना कहीं ये आगे दिक्कत दे सकती है तो वो उनपे थोड़ा सुधार करने की उनको जरूरत है और असली गेम का मजा मैं बोलूंगा तो सत्तर मिनट जैसे कंप्लीट हुआ ना सत्तर मिनट के वहां से जो असली गेम का मजा चालू हुआ मतलब इंटेंसिटी बड़ी गेम की कुछ प्लेयर सब्सिट्यूट होके आए तो वहां से जो एनर्जेटिक हो गया मुंबई सिटी का गेम और नेगुएरा हो गए और जो बोरजेस हो गए इनके ऊपर होगी कमान मिडफील्ड की और उन्होंने बहुत अच्छी मिडफील्ड भी चलाई फिर और बहुत शानदार मतलब कि गेम प्ले चलने लग गया था 70 मिनट के बाद मुंबई सिटी का तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि यार अब तो गोल मिल सकता मुंबई सिटी को क्योंकि पूरा गेम जो था उनके हाफ में चल रहा था और फाइनल थर्ड में भी काफी बॉल्स जा रही थी फिर मुंबई सिटी की तो मुझे कहीं कही ना कहीं लग रहा था कि क्या अब तो गोल होगा लेकिन फिर भी गोल नहीं हो पाया क्योंकि आपको तारीफ करना पड़ेगा जमशेदपुर एफसी की कि डिफेंस जो थी उन्होंने बिल्कुल तगड़ी करी है बिल्कुल नो नॉनसेंस डिफेंडिंग आप कह सकते हैं मतलब कोई मौका ही नहीं दिया मुंबई सिटी के प्लेयर्स को और जे की एक बात तो आप बिल्कुल देख सकते थे कि उनके पास जो कुछ प्लेयर्स है तीन चार पांच उनकी आप हाइट वगैरह देखिए उनके फिजिक देखिए तो इस चीज़ का एडवांटेज बिल्कुल जीएफसी को लेना चाहिए जैसे कि सेट पीसेस पे इसका फायदा ले सकते हैं है ना तो वहां पे और जैसे कि एक और चीज मैं बोलूंगा कि जैसे स्ट्राइकर्स उनके दोनों बहुत ही तगड़े हैं तो उनका बॉडी का भी एडवांटेज लेना चाहिए हाइट का भी एडवांटेज लेना चाहिए और गोल स्कोरिंग एबिलिटी जो है वो ज्यादा बेहतर उनकी काम में आ सकती है क्योंकि हेडर से भी गोल कर सकते हैं पैरों से भी गोल कर सकते हैं तो मतलब चांसेस है और सेट पीसेस की भी एबिलिटी रखते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी है जीएफसी के पास लेकिन मुंबई सिटी देखिए मुंबई सिटी थोड़ी सी तगड़ी टीम है तो इसके अगेंस्ट हो सकता है कि काफी जो चीजें रही होगी जीएफ की वो टैक्टिकली उन्होंने शायद नहीं कर पाए होंगे लेकिन आगे के मैचेस में शायद जीएफसी बहुत अच्छा कर पाएगी और मुंबई सिटी भी शायद जो एक चीज थी उनकी मिडफील्ड नहीं चल पाई बाकी मिडफील्ड उनकी काफी अच्छी है ना अपुई है जो बहुत अच्छा खेलते तो देखिए गेम ओवरऑल आप देखेंगे ना तो उतना खास गेम नहीं रहा सीधी सीधी बात बोलूंगा तो उतना एन्जॉयमेंट जो मिलना चाहिए मुंबई सिटी के गेम्स में जीएफसी के गेम्स में अक्सर मिलता है वो मुझे मिला नहीं और आई होप कि मतलब आगे के मैचेस में मिलेगा बाकी आप बताइए आपने कितना अगर देखा होगा वैसे तो व्यूअर्स ही बहुत कमा मतलब लगभग मैं देख रहा था हॉटस्टार पे बीस हजार लोग लाइव देख रहे थे तो बहुत कम लोग देख रहे थे सब फेस्टिवल में बिजी लग रहे थे तो अगर आपने देखा होगा तो आप बताइए कि आपने कितना एन्जॉय किया मैच को और आपने क्या गलतियां देखी मुंबई सिटी की या जेएफसी की और इस ड्रॉ के साथ जो है मुंबई सिटी थर्ड पे चल रही है और जेएफसी ने अभी दो ही मैच खेले हैं और उस हिसाब से वो टेंथ पे चल रही है तो अभी मतलब कि टेबल में तो जमशेदपुर की हालत अभी थोड़ी सी खस्ता है तो बाकी देखते हैं कि क्या कितना ऊपर वो आएगी क्योंकि भैया वो टीम को चैंपियंस लीग का प्ले भी खेलना है तो देखते हैं कि कितना वो आगे आएगी और मुंबई सिटी अभी कितना बेहतर करेगी इस सीजन क्योंकि मुंबई सिटी का फिर से वो रहेगा ना कि यार एफ सी चैंपियंस लीग में अच्छा खासा परफॉर्म किया था तो फिर से वो एक ट्रैक पे आए तो यह था कुछ मुंबई सिटी और जीएफसी का मैच अब हम बात करते हैं दूसरे मैच की जो ज्यादा रोमांचक रहा है, हैदराबाद एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी तो ये मैच जो था मतलब कि जो थोड़ा सा हमको निराशा मिली मुंबई सिटी वर्सेस जमशेदपुर के मैच में मतलब उतना एंजॉयमेंट नहीं मिला रोमांच नहीं मिला वो मिला हमको हैदराबाद वर्सेज बेंगलुरु के मैच में अब देखिए ये एक ऐसा मैच था जिसमें कि हैदराबाद एफ जो थी हर एस्पेक्ट्स पे बैटर टीम मतलब आप बोलेंगे मिडफील्ड बैटर अटैकिंग बेटर डिफेंस वो भी बैटर और गोलकीपर वो भी वन ऑफ द फाइनेस्ट तो मतलब प्रॉपर एक वेल मेंटेन्ड वेल बैलेंस टीम जो बोलते हैं ना वो हैदराबाद एफ सी अगेंस्ट बैंगलुरु एफ सी और बेंगलुरु एफ सी भी कहीं ना कहीं जो मैंने पहले ही बोला था मिडफील्ड मिडफील्ड मुझे दिखे। मतलब बेंगलुरु एफसी जो है ज्यादा डिपेंड होती है अटैकिंग लाइन के ऊपर क्योंकि आप देख सकते हैं उनके पास अटैकिंग जो प्लेयर्स है वो काफी अच्छे हैं लेकिन मिडफील्ड की बात करें रहे थे कि प्लेयर अच्छे हैं कोई उसमें ऐसे डाउट की बात नहीं है लेकिन वो चल नहीं पा रहे है, सीधी बात है मतलब मिडफील्ड से जो सप्लाई लाइन क्षेत्री को मिलना चाहिए या फिर रॉय कृष्णा तो नहीं खेले या शिवशक्ति खेले तो शिवशक्ति को जो मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मतलब मुझे नहीं लगे कि मिल रही है अभी जैसे वो क्या लॉन्ग बॉल्स डल रही है काउंटर्स बन रहे हैं तो इस टाइप के कुछ ऑप्शन उनके पास हो रहे हैं लेकिन मिडफील्ड से जो तो मिलना चाहिए कि पेनेट्रेटिव पासिस और इस टाइप की जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है वो मैंने पहले भी कहा था तो अभी जब तक वो मिडफील्ड की सप्लाई लाइन नहीं बनेगी ना मिडफील्ड नहीं दिखेगी तब तक बेंगलुरु एफसी करने वाली स्ट्रगल ये पक्की बात है और बात करें मैच की देखिए स्टार्टिंग से ही जो हैदराबाद एफसी थी फुल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन शुरू में मोमेंटम बन नहीं पाया मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग से बॉल पोजीशन वगैरह रख के अगली टीम को मिस्टेक्स करने में, में मजबूर करते हैं उनके गैप्स ढूंढते हैं तो वो मोमेंटम बनानी हैदराबाद एफसी का स्टार्टिंग में तो उस दौरान क्या हुआ बेंगलुरु के भी अटैक बने और अपने हैदराबाद के भी अटैक बने दोनों टीम्स के अटैक बने और फर्स्ट हाफ में आप बोल सकते कि काफ़ी दोनों टीम ने ज़्यादा ऊपर नीचे गेम नहीं खेला लगभग थोड़ा बहुत इक्वली खेला ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और सिवेरियो को बहुत ही बेस्ट चांस मिला था फर्स्ट हाफ में जो एकदम फ्री हेडर मिला था जो यासिर ने क्रॉस दिया था वो एक स्कोर निकल सकता था सिवेरियो का लेकिन वहां पर वो मिस कर गए और बेंगलुरु के भी जो चांसेस बन रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि एकदम सही क्रॉस उनको मिल नहीं पा रहा था जो उनके आ, स्ट्राइकर से जैसे छत्री हो गया या फिर शिवशक्ति हो गए तो इनको जो है ना एकदम सटीक सटीक पासेस वो मिल नहीं पा रहे थे कभी आगे कभी पीछे तो इस टाइप के मिल रहे थे तो उनके अटैक बन रहे थे लेकिन वो ये ना कि फाइनल डिलीवरी जो होना चाहिए वो सही नहीं मिल पा रही थी और ओगबेचे एक ऐसे प्लेयर थे जिनको एकदम टाइट स्पेस में रखा था कोई जगह नहीं दे रहे थे उनको शॉर्ट हर

बेंगलुरू एफ सी जी थी वो एकदम बिखर सी जाती थी वहाँ पे एकदम ऐसा हो जाता था कि खो जाती थी अब नहीं वहां पर उनका अटैक खत्म हो जाता था जबकि वहां पर फाइनल थर्ड में तो उनको बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए तो वहां पर हैदराबाद एफ की जो डिफेंस थी वो इतना सही से डिफेंस करी कि बेंगलुरु एफसी को कोई चांस ही नहीं बन पाया अच्छा और बेंगलुरु एफसी ने पूरे मैच में बहुत अच्छा डिफेंस करा मैन भी सही से मार्क करे कुछ कुछ, कुछ, कुछ चांसेस बने थे हैदराबाद एफसी के गोल स्कोरिंग वाले लेकिन फिर भी काफी मतलब कि बेंगलुरु एफसी ने कोशिश करी थी हैदराबाद को कितना रोक पाया क्योंकि बहुत बेटर साइड है हैदराबाद एफ ये बात तो आपको पता ही है लेकिन लास्ट लास्ट में क्या हुआ कि कॉर्नर पे गुरप्रीत संधू जो थे उन्होंने थोड़ा सा एक ब्लंडर कर दिया उनको ऐसा लगा उनको किसी ने पुश किया है और उन्होंने हल्का सा एक मतलब कि ले ऑफ बना के दे दिया इस टाइप का समझ लीजिए उबे चेक और दिया भी तो उबेचे को और वो भी फ्री वो फ्री हेडर मिल गया उनको एकदम गोल मार दिया और वहां पर कई एक ऐसे सवाल भी उठ रहे थे कि भैया उगबेचे फ्री कैसे खड़े उनको किसी ने मार्क क्यों नहीं करा तो देखिए वो सिचुएशन एकदम वो कॉर्नर होता है एकदम सडन चीज तो वहां पर अभी उनको फर्स्ट जो हिट हुई थी होगी बॉल कॉर्नर से उस टाइम पे मार्क थे लेकिन जब गुरप्रीत संधु ने वो एक ब्लैंडर कर दिया उस टाइम पे फ्री हो गए तो कहीं ना कहीं वो एक बेचे को एक डायरेक्ट ऐसा गोल तो एक बेचे छोड़ते ही नहीं है तो बस वहां पे खेल खल्लास हो गया और इतने लास्ट लास्ट में फिर हैदराबाद एफसी तो भैया पूरा गेम कंट्रोल कर ही लेगी ना उसके बाद तो फिर देख सकते थे उसके बाद हैदराबाद एफसी जो थी उनका यही था कि बस 90 मिनट तक कैसे करके निकालना है और बेंगलुरु एफसी के ऊपर प्रेशर डबल हो गया और बेंगलुरु एफसी लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाई क्योंकि भैया शुरू से ही मिड भी नहीं चल रही थी सपोर्ट था नहीं कोई अच्छा और विंग्स से भी कट इन करके कोई घुस के ऐसा अटेम्प्ट ले कोई विंगर वो भी कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि घुसने ही नहीं दे रहे थे ना डिफेंस आप देख सकते थे रोशन वगैरह को भी उधर वो ब्लॉक कर लेते थे क्रॉस तक नहीं डालने दे रहे थे तो इतना खतरनाक ब्लॉक किया था तो बहुत अच्छी डिफेंस कर रही है इसकी वजह से ही बेंगलुरु एफ का गोल नहीं हो पाया आप सीधे सीधा कह सकते हैं तो तारीफ होनी चाहिए हैदराबाद एफ की और बस यही था फिर मैच तो तो हैदराबाद इस जीत के साथ अब चली गई भैया टेबल पे टॉप पे अब गोवा जो है गोवा ने दो मैच खेले हैदराबाद ने तीन मैच खेले तो अगर अब गोवा अपना थर्ड मैच भी जीत जाती है तो टेबल पर वो टॉप आ जाएगी वरना तो हैदराबाद ही रहेगी और बेंगलुरु एफ सी चली गई फोर्थ नंबर पे तो अभी बेंगलुरु एफ सी तो भैया स्ट्रगल करने वाली है जब तक उनकी मिड सही नहीं होती और हैदराबाद एफ सी तो भैया फुल प्रबल दावेदार लग रही है तो देखते हैं अभी जो और दावेदार टीम्स है उनके अगेंस्ट उसका मैच होता है तो क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा हैदराबाद एफसी का और क्या गेम प्ले देखने को मिलेगा तो बताइएगा आपने कौन सा मैच देखा मतलब आपने अगर जीएफसी मुंबई सिटी का देखा होगा या हैदराबाद और बेंगलुरु का देखा होगा जो भी मैच देखा आपने कौन सा मैच एंजॉय किया मैंने देखो बेंगलुरु और हैदराबाद एफ का मैच फुल एंजॉय किया मुझे मजा आया और मैं चाह रहा था कि अगर मैच ड्रॉ हो जाता क्योंकि हमारे क्षेत्रीय भैया की टीम जो है वो हार गई तो ठीक है बाकी आप बताइए आपने कितना एंजॉय किया और बेंगलुरु एफ में भी आपको क्या गलती लग रही है जैसे मुझे मिडफील्ड मिसिंग लग रही है आपको क्या गलती लग रही है बेंगलुरु एफ में और बाकी आप जो भी कुछ कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत